हाँ बोलो, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस। हाँ हाँ तो बताओ, स्टार्ट कर लेते हैं सीएलआई के आज फंडामेंटल से। राइट, तो ये हमारा जूनिपर राउटर है, स्टिल बूटिंग। तो जैसे आप अपना राउटर कभी भी जैसे आप स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले जो ये प्रोसेस होगा, ये क्या हो रहा है, ये सारा बूटिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉगिन स्क्रीन आती है। ऐसा प्रॉम्प्ट करता है ये, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, लॉगिन, लॉगिन आता है। अब लॉगिन में आपको क्या पुट करना होता है, सबसे पहले एक यूज़र नेम, ठीक है। तो लॉगिन जैसे ही आप करोगे, उसमें क्या पुट करना होगा, आपको एक यूज़र नेम पुट करना होगा। यूज़र नेम में बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है एक राउटर के अंदर या किसी भी जूनिपर डिवाइस के अंदर, जो सबसे फर्स्ट जो यूज़र होता है, जैसे देखो आपने क्या देखा होगा, अगर आपने देखा हो कभी लाइनेक्स या फिर कोई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है, कौन सा जो मेन यूज़र होता है, जो एडमिन यूज़र होता है, वो कौन सा होता है, रूट। ठीक है, रूट यूज़र होता है जो क्या है, इसका एडमिन है। तो सेम जैसा मैंने जैसे हमने कल बात करी थी कि भाई जो हमारा ये है, इसका सीएलआई है जूनिपर का, किसके ऊपर बेस्ड है, ये यूनिक्स बेस्ड है। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर भी सेम जो डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है हमारे पास, एडमिन यूज़र कह सकता हूँ, वो कौन सा है, रूट। ठीक है, तो इसका रूट है यूज़र। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड सेट नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड सेट नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरह का नहीं सेट होता। बट मे बी अगर आपको मिलता भी है, तो इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा, जो मैंने आपको इमेज दी है उसका पासवर्ड है रूट 1 2 3। ये है पासवर्ड जो यहाँ आपको पुट करना है। ठीक है, किस डायरेक्टरी में जाने के लिए, टू एंटर इनटू रूट प्रॉम्प्ट में जाने के लिए आपको पासवर्ड डालना होगा, जो मैंने बताया रूट 1 2 3, जो मैंने इमेज दी है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कभी भी आप पासवर्ड टाइप करोगे तो आपका पॉइंटर यहाँ पे मूव नहीं करेगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ना स्टार 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 ऐसे बना हुआ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस ये आता है। उसके बाद आपके पास कौन सा मोड आता है, उसके बाद आपके पास आ रहा है एक मोड जिसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे चले जाते हैं, पहले बात करते हैं जूनोस में कौन से मोड्स हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, द जूनोस ओएसआई, सॉरी द जूनोस ओएस सीएलआई इज अ जूनिपर नेटवर्क स्पेसिफिक कमांड शेल, ठीक है, दैट रन ऑन द टॉप ऑफ फ्री बीएसडी यूनिक्स बेस्ड, जो मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स एंड यूटिलिटीज, इसको छोड़ दो, द जूनोस ओएस सीएलआई हैज़ टू मोड्स। ठीक है, दो मोड्स हैं। पहला मोड कौन सा है, ऑपरेशनल मोड। दिस मोड डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द डिवाइस, क्या दिखाता है, इस जो डिवाइस का करंट स्टेटस है वो दिखाता है। इन ऑपरेशन मोड यू एंटर कमांड्स टू मॉनिटर एंड ट्रबल शूट द जूनोस ओएस डिवाइस एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसने बेसिकली दो मोड्स की बात करी है, कौन कौन सा, ऑपरेशन मोड है। ऑपरेशन मोड के लिए क्या बना हुआ आएगा, जब आपके एरो बना हुआ आता है, मतलब ऐसे बना हुआ आएगा आपका, लिखा हुआ आएगा पहले होस्ट नेम लिखा हुआ आएगा जो भी है, उसके बाद एक एरो बना हुआ आएगा। ठीक है, बट अभी हम किस मोड में, इस मोड में नहीं है हम राउटर के, हम किस में चल रहे हैं,
हम चल रहे हैं इस मोड में, ठीक है। इसमें क्या बना हुआ आ रहा है, ये आ रहा है नाम, कौन सा यूज़र है, रूट, एट द रेट कौन सी मशीन है, जिस ये है आपका होस्ट नेम, ठीक है। आगे जो ये परसेंटेज साइन आ रहा है, ये परसेंटेज साइन करता है कि आप किससे लॉग इन हो, शेल मोड में। इसको क्या बोलते हैं, शेल मोड। अगर यहाँ पे परसेंटेज का साइन आता है तो इसको बोलते हैं शेल मोड, ठीक है। तो शेल मोड में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। शेल मोड में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या चलता है, सिर्फ यूनिक्स की कमांड चलेंगी, क्योंकि आप किस में लॉगिन हो, आप रूट से लॉगिन हो, तो यहाँ पे क्या चलेगी, यूनिक्स कमांड्स। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो यूनिक्स कमांड तो पढ़ने नहीं वाले, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगर करना है जूनोज और जूनिपर के बारे में पढ़ना है, तो यूनिक्स के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ दो चार कमांड आप चला देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये मोड बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है, ये मोड इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है हमारा जूनोज का, जूनिपर का, ठीक है, इसको एडिट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, टू एडिट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एडिट करने के लिए मोड बनाया गया है, तो हमारे से रिलेटेड ये वाला मोड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, ये मोड जब ही आएगा जब आप हमेशा किससे लॉगिन करोगे, एज ए रूट यूज़र लॉगिन करोगे, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिया, रूट से लॉगिन करने के बाद में आप कहाँ गए, आपने इसको राउटर को कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद आपने यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिया, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या डालना होगा, यूज़र नेम डालना होगा। जैसे मैंने एक यूज़र नेम डाला मनीष और पासवर्ड डाला सिस्को, ठीक है। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो मेरे पास ये परसेंट वाला मोड आएगा ही नहीं, ठीक है। ये मोड किस में आएगा, जब आप रूट यूज़र से लॉगिन करोगे, सिर्फ तभी आएगा ये मोड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आगे कि जैसे ही आपके पास ये मोड आया परसेंट वाला, अब आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है CLI मोड में, ठीक है। अब CLI मोड में जाने के लिए एक सिंपल सी कमांड है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको टाइप करना है CLI और एंटर। तो जैसे ही आप क्या करोगे, टाइप CLI टाइप करोगे और एंटर करोगे, तो आपके सामने जो अगला मोड आएगा वो कौन सा मोड है, हमारा ऑपरेशन मोड। ये कमांड टाइप करी है मैंने CLI, ठीक है। अब आप किस में आ गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये एरो बना हुआ आता है, इसका मतलब क्या है, आप CLI मोड में हो, CLI मोड नहीं सॉरी ऑपरेशन मोड में हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन मोड। दिस मोड डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द डिवाइस, ठीक है। जो स्टेटस है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मॉनिटरिंग के लिए जो कमांड्स होती हैं वो रन कर सकते हो। यू कैन एंटर कमांड्स टू मॉनिटर एंड ट्रबल शूट द जूनोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो पता ही है आपको, जैसे अदर वेंडर्स के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क आपने पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, बहुत सारी क्या चीज़ें आ गई, कमांड्स आ गई, ठीक है। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं हैं, हम किस में हैं, सिर्फ ऑपरेशन मोड में हैं, जिसमें हम किस तरह की कमांड रन कर सकते हैं, शो कमांड रन कर सकते हैं, किसी भी तरह की SSH कर सकते हैं, यहाँ से टेलनेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेस राउट हम रन कर सकते हैं यहाँ पे, किसी तरह की हेल्प चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब डीबगिंग होती है, जैसे हमारे जो अदर डिवाइसेस थे उसके अंदर जैसे हम किसी को डीबग करना था तो जो हमारी कमांड होती थी वो क्या होती थी, जैसे ICMP डीबग करना है तो डीबग ICMP डीबग IP ICMP, ठीक है। ये किसकी कमांड थी, लॉग्स जनरेट करने की, ठीक है। मतलब आपको किसके लॉग्स देखने हैं, ICMP के लॉग्स देखने हैं, तो हम क्या कमांड थी ये हमारी, ये अदर राउटर्स के अंदर होती है। ऐसे ही इस राउटर में क्या है, हमारे पास मॉनिटर कमांड है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक और है ऑप्शन क्लियर, क्लियर इन्फॉर्मेशन इन द सिस्टम, ठीक है। तो जैसे आप कोई टेलनेट सेशन क्रिएटेड है तो आप उसको क्लियर करना चाहते हो,
तो आप लिख सकते हो क्लियर लाइन 4, 5, 6 जो भी लाइन है आपकी, तो कनेक्शन आईडी जो भी है वो लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है आगे चल लेते हैं। क्वाइट कमांड जैसे समझ में आ रही होगी, पिंग आपको पता ही है पिंग क्या होता है, ठीक है, फेस लाउड आपको पता है। तो ये जनरल कमांड्स हैं जो हम इस ऑपरेशन मोड में रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा मोड होता है, ठीक है, जिसमें हम अभी जाएंगे, वो कौन सा होता है? कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। दिस मोड इनेबल यू टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन दिस मोड यू एंटर स्टेटमेंट टू कॉन्फ़िगर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवाइस इंक्लूडिंग इंटरफेसेस, जनरल राउटिंग इंफॉर्मेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूज़र एक्सेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड सेवरल सिस्टम एंड हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। A configuration is stored as a hierarchy of configuration statement. When you enter configuration mode, you are actually viewing and changing a file called the candidate configuration. एक फाइल होती है, क्या नाम है इसका? कैंडिडेट, ठीक है। ये जो आपकी कैंडिडेट नाम की जो फाइल है, ये क्या करती है आपका, जो जो भी आप मेक चेंजेस करते हो, देखो जूनोस की हम बात करते हैं, अदर वेंडर की बात करें तो हमें सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, WRIT राइट कमांड चलानी पड़ती थी, ठीक है। इससे क्या होता था, हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो होती थी वो किस में चली जाती थी, रनिंग में, ठीक है। यहाँ पे जो कमांड है हम राइट की जगह क्या यूज़ करते हैं, कमिट से क्या होगा, सेव। कमिट का काम होता है सेव करना कॉन्फ़िगरेशन को, और जो आपकी स्टार्टअप में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रनिंग में डाल देना, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टअप और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, जूनोस के अंदर इसको ये नहीं बोलते हम, तो व्हेन यू एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड You are actually viewing and changing a file called candidate configuration. The candidate configuration file enables you to make configuration changes. Candidate configuration जो file होती है क्या करती है, configuration changes को enable करती है without causing operation changes to the current ऑपरेशन configuration called the active configuration. इसको एक बार पढ़ लें यहाँ से, सब लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, इजी समझ में आ जाएगा। The candidate configuration file enable you to make configuration changes, ठीक है, without causing operational changes. Operational changes कौन से हैं, जो हम अभी currently जो हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का startup में जो है, ठीक है, वो हैं आपके operational changes. जैसे ही आप save करोगे तो ये कहाँ चले जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एक फ़ाइल होती है उसके अंदर जाके ये सेव हो जाएगा।
जैसे ही आप कमिट टाइप करोगे, ठीक है, टू द करंट ऑपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन चेंजेस को एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किसको बोल रहे हैं हम यार, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन किसको बोल रहे हैं हम, जो रनिंग में है, ठीक है। द राउटर और स्विच डज नॉट इम्प्लीमेंट द चेंजेस यू एडिड टू द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल अंटिल यू कमिट देम, ठीक है। कमिट करने के बाद में क्या एडिट होती है आपकी, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। विच एक्टिवेट द रिवाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑन द डिवाइस, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन इनेबल यू टू ऑल्टर योर कॉन्फ़िगरेशन विदाउट कॉजिंग पोटेंशियल डैमेज टू योर करंट नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है। आगे चले, ये CLI के मोड्स की बात करी थी मैंने, ठीक है। तो CLI का वही मोड है, परसेंट वाला मोड है यहाँ पे, इसको हम शेल मोड कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे इस पॉइंट पे, जो हमारा कौन सा मोड था, ये कॉन्फ़िगर मोड, राइट, सॉरी ऑपरेशनल मोड था ये, जिसमें क्या लिखा हुआ था, एरो लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब एरो से एंडिंग हो रही है। अब हमें क्या करना है, इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है। तो एक जो दूसरा मोड है जो हमने पढ़ा, कौन सा मोड था वो, कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कमांड है कॉन्फ़िगर। तो जैसे आपने यहाँ पे कमांड टाइप करी कॉन्फ़िगर, तो क्या लिखा हुआ आया, एंटरिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है। अब आगे जैसे आपने क्या करा, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक। जब आपने इस चीज़ को समझना है हमें, कि यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा था कि किस यूज़र से लॉगिन किया है, प्लस होस्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही आपने क्या कमांड चलाई, कॉन्फ़िगर, जैसे कॉन्फ़िगर कमांड चलाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज़र नेम और होस्ट नेम तो लिखा हुआ आ रहा है, साथ में ये हैश मोड हमें दिखाता है कि आप किस में हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो। इसके अलावा लिखा हुआ आ रहा है एक एडिट, ठीक है, इसमें भी देखो एडिट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये क्या होता है, इसकी बात करेंगे आगे, ठीक है। बस अभी इतना समझो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, एडिट, ये डिफरेंट डिफरेंस है हमारा दोनों मोड्स के बीच में। तो हम चल लेते हैं कुछ शेल मोड की हमने बात करी, यूज़र मोड की बात कर ली हमने, और ये हो गया। अब इसमें भी देखो यार, अदर वेंडर्स की तरह हमें अगर हेल्प चाहिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन मार्क पुट करोगे इस पे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कमांड्स हैं। प्लस एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोड 79%, मतलब अभी जो आप देख रहे हो ये, इसके अलावा 79% कमांड्स और बाकी हैं, ठीक है। तो स्पेस प्रेस करोगे आपके पास क्या होगा, पूरी कमांड्स आ जाएंगी सामने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जब आपने ये कौन सा मोड चला रखा था, ऑपरेशन मोड चला रखा था, तो इतनी सी कमांड्स थी आपके पास। लेकिन आप अगर जाते हो किसमें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद में अगर आपने हेल्प क्वेश्चन मार्क चलाया, तो आपके पास कितनी ज़्यादा कमांड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस है ही है। बाकी बात आती है यहाँ पे किस चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, कमिट का, ठीक है। कमिट का मतलब सेव चेंजेस कर सकते हो आप कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। इसके अलावा ये कमांड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज, अब पढ़ेंगे हम, टॉप पढ़ेंगे, सेट पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हेल्प को हम पढ़ने वाले हैं, एग्ज़िट आपको पता ही है क्या होता है,
डिलीट आपको पता ही है। एक है एनोटेट, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दो चार कमांड है जो मोस्टली यूज़ होने वाली, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे आज। तो आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन मार्क मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन मार्क से आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा सिस्को राउटर या फिर अदर वेंडर के जो राउटर हैं उनमें क्या था, हम क्या करते थे सिंपली, जैसे हम शो टाइप करते थे, शो के आगे हम क्या प्रेस करते थे, ऐसे इसके बाद हम क्या प्रेस करते थे, टैब। आप टैब यूज़ करते थे, आप यहाँ पे टैब भी यूज़ कर सकते हो और स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हो इस कमांड को कंप्लीट करने के लिए। तो लेट्स से कि मैं प्रेस करने वाला हूँ स्पेस, मैंने जैसे ही स्पेस प्रेस किया मेरे पास क्या आ गया, पूरी कमांड लिखी हुई आ गई यहाँ पे शो के आगे। अब आपको क्या करना है, कमांड के आगे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली वही जैसे क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क पुट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, शो के बाद ऑप्शंस आते हैं आपके पास में कि आप क्या क्या देख सकते हो, शो फायरवॉल, चेसेस, ग्रुप्स, प्रोटोकॉल, ठीक है, ये रन कर सकते हो। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ शो इंटरफेसेस की, हम सिंपल इंटरफेस देखने वाले हैं इस डिवाइस पे कितने इंटरफेस बने हुए हैं। तो मैं लिखूँगा INT स्पेस, तो ऑटोमेटिक कमांड मेरी क्या हो गई, कंप्लीट। अब शो इंटरफेसेस कमांड जैसे ही मैं रन करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, इस मशीन पे जितने भी इंटरफेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आप शो इंटरफेस, अगर आपको इंटरफेस देखने हैं तो आप इसके साथ साथ क्या देख सकते हो, आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को इतने इंटरफेस से इतने दिखाने हैं, ठीक है। इंटरफेस सेट की बात नहीं करते अभी, ठीक है। इंटरफेस सेट आपका कॉन्फ़िगर करने का काम आएगा, ठीक है। इंटरफेस का आप नेम दे सकते हो यहाँ पे सर्च करने के लिए, ठीक है। मान लो शो इंटरफेस गिग 0000/0/0, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शो इंटरफेस कमांड की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर हिट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने शो इंटरफेस कमांड चलाई तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या चलाई मैंने कमांड शो इंटरफेसेस, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक इंटरफेस है EM0, ठीक है, जिसका IP एड्रेस क्या है, ये है, एक जूनिपर एक राउटर और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बेसिकली समझना इसके अंदर ये था कि जैसे आप क्या करते हो, क्या कमांड चलाई मैंने शो इंटरफेसेस, तो आप किस में हो अभी, पहला पॉइंट ये है कि आप हो कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो इसमें जब आप शो इंटरफेस कमांड चलाओगे तो आउटपुट आएगा डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट मतलब यहाँ पे सिर्फ वो इंटरफेस बताएगा जो कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि आप किस में हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, ठीक है। अगर मुझे सारे इंटरफेस देखने हैं टू
व्यू ऑल इंटरफेसेस, किस में जाना पड़ेगा आपको, ऑपरेशन मोड में, ठीक है। अब ऑपरेशन मोड में जाने के लिए क्या करोगे आप, टाइप एग्जिट, जैसे आपने एंटर किया इसमें आ गए आप, ऑपरेशन मोड में आ गए। अब आपको कमांड टाइप करनी है वापस से शो इंटरफेसेस, ठीक है, एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस राउटर पे जितने भी इंटरफेस हैं उसकी डिटेल आती है, कौन सा इंटरफेस है ये, गिग 0/0/0, फिजिकल लिंक क्या है आप, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बताइए, आप उसको देख सकते हो, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। एक इंटरफेस ये है, स्पेस करते हैं, एक इंटरफेस क्या है LC000, ये सारे और इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, देखो इसमें इतने सारे इंटरफेसेस हैं ऑलरेडी। अब इन शॉर्ट इसको देखने का एक तरीका है, एक कमांड है वो बताता हूँ, तीन कमांड है एक्चुअली जो हम इंटरफेसेस के लिए रन कर सकते हैं, चार कमांड है, ठीक है, वो है शो इंटरफेस ब्रीफ, डिटेल और एक है टर्स, टर्स कह सकते हैं या फिर इसको, एक है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो वन बाय वन इन कमांड्स को रन कर लेते हैं। सबसे पहले रन करते हैं शो इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। जैसे आपने क्या करा, एंटर, यहाँ पे आपने कमांड चली, अब क्या आ रहा है आपके पास, ब्रीफ डिस्कशन आ रहा है, मतलब गिग 0/0 का जो इंटरफेस है इसका क्या आ रहा है, ब्रीफ डिस्कशन आ रहा है, और यहाँ से दूसरा इंटरफेस स्टार्ट हो गया, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, पहले ऐसा नहीं आ रहा था। तो ये आपका ब्रीफ कमांड का आउटपुट है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ें समझ में आती जाएंगी हमें, क्योंकि ये एक वर्चुअल राउटर है तो इसका फिजिकल लिंक क्या दिखा रहा है हमें, सारे सबका लिंक, फिजिकल लिंक क्या दिखा रहा है अप, क्योंकि ये एक वर्चुअल डिवाइस है, अगर ये रियल डिवाइस होता तो ये डाउन होते, ठीक है। ये डिटेल में देखने के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को मुझे क्या देखना है, डिटेल में देखना है उसके बारे में। तो ये कमांड है आपकी, यहाँ पे आपने चलाई है ये कमांड, शो इंटरफेस डिटेल, उसके बाद इनपुट बाइट, आउटपुट बाइट, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, पूरी डिटेल में। तो ये सारे इंटरफेस क्या आ रहे हैं, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने इस कमांड में स्पेसिफाई किया हुआ है शो इंटरफेस गिग 0/0/0, ऐसा करके आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। एक कमांड और बता देता हूँ, जब आपको क्या देखना है, सारे इंटरफेसेस देखने हैं, इस राउटर पे कितने इंटरफेसेस हैं, कमांड क्या होगी, ये सब इंटरफेस मैंने नहीं बनाए हुए, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है इसके अंदर, ठीक है, ये सारे इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट इसमें क्रिएटेड हैं, सब इंटरफेसेस भी, ठीक है। तो अगर आपको सारे इंटरफेस देखने हैं तो क्या कमांड चलानी होगी, शो इंटरफेस, फिर आगे जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाओगे उसके बाद इस मशीन पे जितने भी इंटरफेस हैं वो सारे आ जाएंगे। तो एक इंटरफेस है 0/0/0 जिससे हमारा सेकंड राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। एक है LC, शायद इसका एक बार देखना होगा मुझे, ठीक है, LC मैं आपको देख के बताऊंगा। और PFE है, ये PFH है, मेन हमें जो हमें हमारे जो काम के हैं वो है ये गीगाबिट इथरनेट वाले, GE वाले, है ना। तो /1 है, /2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये है, जैसे अगर मैं बात करूँ यार अदर वेंडर के राउटर्स की, तो अदर वेंडर के राउटर में तो ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, बट ये है, ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं देखूँ कहाँ चलते हैं हम, इंटरनेट पे जाके देखें,
कल मैंने राउटर्स दिखाए भी थे ना आपको। सिस्टम स्लो है पता नहीं क्यों। ऐसे ही लग रहा है। एक्चुअली क्या सिस्टम को मैंने 4 GB रैम दे रखी है और 12 GB रैम मैंने दे रखी है ENG को, इसलिए हो रहा है क्या। चलो नाउ एवरीथिंग वर्किंग फाइन। ठीक है तो ऐसे ही कुछ और कमांड्स हैं, क्विट आपको बताइए। ठीक है रन रन CLI कमांड विदाउट एग्जिटिंग द कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है मतलब क्या कर सकते हो आप, किसी भी उसके आगे जाके लिखोगे रन इंटरफेस gig 0/0/0 क्या देखने के लिए, उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए ये कमांड है। ठीक है शो कमांड आपको बताइए, टॉप का हम यूज़ करके बताऊंगा तभी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, अब का भी मतलब जब भी समझ में आएगा। एक होती है सेट, क्रिएट अ स्टेटमेंट हायरार्की एंड सेट आइडेंटिफायर वैल्यू, दिस इज सिमिलर टू एडिट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दैट योर करंट लेवल इन हायरार्की डज नॉट चेंज। ठीक है जैसे हम क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस सेट करना है तो क्या लिखेंगे, सेट आईपी एड्रेस फिर जो भी आईपी है। ठीक है ये हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलने वाले स्टेटमेंट, इनकी डिटेल है सारी। तो इस PDF में आपको क्या मिलेगा, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हमने क्या यहाँ पे क्या कमांड चला रखी है, अभी इसने OSPF को चेक कर रहे हैं, हम OSPF का स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। चलो छोड़ो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए जाने के लिए बात कर ली कि कॉन्फ़िगर टाइप करोगे, ये बात कर ली थी हमने। एग्जिट करने के लिए ये वाला देख लेते हैं अभी। अच्छा ये हमने नहीं देखा। हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट करने के लिए सिंपल एग्जिट टाइप करोगे तब भी एग्जिट हो जाओगे कॉन्फ़िगरेशन मोड से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एग्जिट कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो आपको पता है क्या करना है, आपको बेस्ट तरीका पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एग्जिट टाइप करोगे वैसे आप किस में आ जाओगे, वापस से ऑपरेशन मोड में आ जाओगे। अब चलते हैं नीचे और क्वेश्चन मार्क कमांड का बता रहे हैं यहाँ पे यूज़, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडिट के बाद क्वेश्चन मार्क, ये सब जनरली करते हैं हम चीज़ें, वही चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। मेरे को वही बताना है जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है
ये अभी भी बूट हो रहा है। तो जो आज का जो मेरे पास टास्क था उसके अंदर मेरे को क्या 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 करना था, हमें आज का बस सीएलआई फंडामेंटली देखना था आज के टॉपिक में हमें, कि भाई कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो एक बार राउटर स्टार्ट हो जाए फिर थोड़ा सा कुछ 10-15 कमांड रन करनी है हमें, ठीक है। देन उसके बाद हम इस वाले टॉपिक से डन कर देंगे। मैं सोच रहा था कि इस क्लास को हम रखते हैं 5 डेज, सैटरडे संडे ऑफ रख लेते हैं, या फिर कोई से भी वीक में 2 दिन ऑफ हम रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है। मतलब जूनोस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि मैं 6 डेज क्लास ले सकता हूं अगर आप चाहो तो। संडे हमारा फिक्स ऑफ तो है ही है। इसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि 5 डेज बेटर रहेगा, क्यों? हम ज़्यादा टाइम दे पाएंगे चीज़ों को, ठीक है, जो जूनिपर में जो हमें मेनली यूज़ करनी है, ठीक है। और प्लस एक आपको 2 डेज जो मिलेंगे वो किसके लिए मिल जाएंगे? प्रैक्टिकल करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिकल मेरे साथ साथ कर रहे हो तो, ठीक है, हैंड्स ऑन कर रहे हो तो राउटर को। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको लैब सेटअप में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जो 2 डेज हैं इनके अंदर मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा पूरी पूरी। और वन मोर थिंग कि अगर 5 डेज रखता हूँ तो ज़्यादा अच्छी क्लासेस होंगी, ठीक है। आई कैन से कि मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास हो पाएगी हमारी। ऐसा नहीं है कि मतलब 6 डेज रखने पे नहीं होगी, 6 डेज पे भी होगी, बट 6 डेज हम उस केस में रखते जब हमें क्या पढ़ना होता, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग भी पढ़ना पड़ता। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को बेसिक ऑफ नेटवर्किंग पढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी को ज़रूरत है तो मुझे बताए कि भाई जो मैंने कल टॉपिक्स बताए थे कि सब नेटिंग, ठीक है, और कौन से बताए थे, IPv4, IPv6, बस एक IPv6 मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जब हम काम लेंगे तो ये IPv6 मैं पढ़ाऊँगा आपको कि IPv6 कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि 5 डेज यूज़ इस क्लास को करते हैं। किसी को कोई अगर इशू है इसमें तो बताए मुझे। इंटरफेसेस के जो हमारे पास डिटेल आ रही थी, किससे आ रही थी, वो शो इंटरफेसेस ?? ठीक है, तो ये इंटरफेस आ रहे हैं इतने सारे। चलो आगे चल लेते हैं। तो मैंने इंटरफेस की यार 2-3 कमांड बता दी आपको, कि इंटरफेस की डिटेल चेक करना, ब्रीफ चेक करना और ये सब ऐसे करके देख लेते हैं। शो इंटरफेस, डैश होता है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद ऑप्शन आते हैं, इंटरफेस का नाम लिखोगे, ऑप्शन आते हैं ब्रीफ, इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, डिटेल देख सकते हो, एक्सटेंसिव देख सकते हो। एक होती है टर्स, जो भी बोल सकते हैं, डिस्प्ले टर्स आउटपुट। तो ये क्या होता है, ऐसे एंटर करोगे तो क्या होगा इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है ये लिंक, ठीक है, और प्रोटोकॉल दिखा रहा है इसका और आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी इंटरफेस को हमें क्या देखना है डिटेल में, तीनों का हमने देख लिया था, वैसे डिटेल में दिखा देगा इस इंटरफेस के बारे में, कुछ ज़्यादा ही डिटेल है इसमें। ब्रीफ में क्या करा है इसने, ब्रीफली दिखा दिया कि भाई फिजिकल लिंक आपका अप है, इंटरफेस ये है,
ये सब कुछ है ठीक है। इसके अलावा ये कमांड यार एक एक्सटेंसिव है, इसको चला के देख लेते हैं। कुछ खास इसमें बताने का नहीं है मुझे नहीं लगता, बाकी जब काम करेंगे जब कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे तब और चीज़ें समझ में आएगी ठीक है। ये कमांड्स हो गई। इसके अलावा पॉइंटर को बैकवर्ड लाने के लिए क्या है, कंट्रोल बी। अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। आप एरो कीज़ यूज़ कर सकते हो सेम जैसे अदर डिवाइसेस में करते हो, कंट्रोल बी यूज़ करोगे क्या होगा, एक 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 मतलब वर्ड जो है आपका पीछे चलते जाएगा। और ये है बैकवर्ड, फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल एफ ठीक है, कंट्रोल एफ यूज़ करोगे तो क्या हो गया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड चल रहे हो आप। नेक्स्ट है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए किस लिए, टू गो टू वेरी बिगनिंग। जैसे अभी मैं मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, एक्सटेंसिव के ई के एंड में, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो कहाँ जाएगा ये, ओके कंट्रोल ए प्रेस करते ही कहाँ पे आ गए हम, जो हमारा शो था ना एस, यहाँ पे आ गए। तो ये शॉर्ट कीज हैं यार, थोड़ा पता होना चाहिए, जब बड़ी कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो उस टाइम में बहुत हेल्पफुल होती है ठीक है। कंट्रोल ई से एंड में जाने के लिए होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है, जैसे मान लो एक्सटेंसिव के आगे ई लिखा हुआ है तो कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गायब। मतलब इस वी से पहले आपको एंटर ले जाना होगा और कंट्रोल डी करना है और आपका वो गायब हो जाएगा वर्ड ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल यू, सारी लाइन को रिमूव करने के लिए कंट्रोल यू, गायब ठीक है। नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल के, जैसे मान लो आपको क्या कीवर्ड डिलीट करना है, सिर्फ ब्रीफ डिलीट करना है तो यहाँ पे लेके आओगे कर्सर को और क्या क्या क्लिक करोगे, कंट्रोल के। जैसे ही कंट्रोल के करोगे इससे इस कर्सर से राइट साइड वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा कमांड का, कंट्रोल के ठीक है। शॉर्ट कीज हैं ये, सिस्को में भी होती हैं ये कीज़ ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनोट अनोट की ठीक है। तो अनोटेड हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए कमांड ये काम आती है हमारे जूनिपर के केस में ठीक है। सेट किस कमांड, सेट किसका रिप्लेसमेंट है, नो कमांड का रिप्लेसमेंट है हमारे पास। जैसे सेट क्वेश्चन मार्क, इसमें यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा मैं आपको, जब कुछ कॉन्फिगर करेंगे जब यूज़ करेंगे इसको हम ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इंटरफेस को कॉन्फिगर करना है हमें ठीक है। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले देखेंगे हम किस मोड में हैं, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं ठीक है। आपको पता ही होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम कैसे हैं, ऑपरेशन मोड में नहीं कर पाओगे यार। बाकी कुछ होता नहीं है, इसके बाद क्या बोला है, न्यू डेट एंड टाइम, तो ईयर मंथ डेट, उसके बाद आवर मिनट सेकंड ठीक है। तो जैसे मैंने क्या कर लिया, ईयर क्वेश्चन मार्क, अच्छा इसका फॉर्मेट यही है, तो मैंने कर लिया 09, मंथ है हमारा ठीक है, और 17 हमारी क्या है, डेट। इसके बाद क्या बोल रहा है, आवर मिनट सेकंड, तो मेरा 21 इसका टाइम हो रहा है, 21 आर ठीक है, मिनट मेरा क्या हो रहा है 00, और सेकंड क्या चल रहा है मेरा मान लो डॉट 30 सेकंड चल रहा है, हो गया टाइम सेट। थर्सडे क्या आज, थर्सडे सेप्टेम्बर 17, 9:30 हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी हो सकती होगी यार ये, ठीक है डन है ठीक है। वो सारी कमांड उधर चल सकती है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या होगा,
राउटर के इंटरफेसेस, राउटर के ऊपर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। बाकी डेट टाइम हम वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में। मुझे क्या करना है, एक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि ये जो मैंने मोड बताया था, ये जो एडिट लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, ये एक मोड है। ये जो एडिट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या है, एक मोड। अभी मोड है, यहाँ से देख लेते हैं। पहली कमांड क्या होगी, देखो, एडिट इंटरफेस। एडिट करने के लिए कमांड क्या होगी, पहले तो आपने क्या करा, इसमें आ गया आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में। हम अदर राउटर में क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है यार। आपको किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए क्या टाइप करना होगा, पहले एडिट क्वेश्चन मार्क लगाओ, अब क्या एडिट करना है, आपको एक्सेस करना है, एडिट एप्लीकेशन को करना है, चेसिस है, डायमीटर है, फायरवॉल, जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ये आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या आ रहा है, एक एडिट सिक्योरिटी आ रहा है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, एडिट इंटरफेस लिख के आगे क्या करना है, इंटरफेस की रेंज बता सकते हो, इंटरफेस का नाम बता सकते हो। तो हमें क्या करना है, एडिट इंटरफेसेस, और उसके बाद आप रखोगे अपना इंटरफेस का नाम। तो ऐसा करते हैं भाई कि पहले आपको मैं दिखाता हूँ, शो रन। ओहो, इसमें यह है कि आपको शो कमांड यहाँ चलेगी, सिर्फ शो रन। राइट, शो कॉन्फ़िगरेशन, शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसेस कर लेते हैं। और मैं इसको जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे पास शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस की एक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ठीक है। इंटरफेस की इस पे कोई भी रनिंग कॉन्फ़िग नहीं है ना, फिलहाल ऐसा करते हैं, इस पहले को स्किप करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कल करके बताऊंगा, ये वाला इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे किसी भी इंटरफेस की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, ऐसा है कि आप कॉन्फ़िगर में गए, सिंपली क्या होता है, जैसे एडिट लिखा, इंटरफेस आपका कौन सा इंटरफेस है, गिग 0/0/0 को करना है, ठीक है। अब आप किस मोड में आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मोड चेंज हो गया। पहले आप किस मोड में थे, एडिट मोड में थे, अब किस मोड में हो, आप एडिट कर रहे हो, इस इंटरफेस को एडिट कर रहे हो, 0/0/0, ठीक है, आ गए। अब आप कितने भी आप एंटर इट करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, ये आपका मोड दिखा रहा है। आपको ये क्या दिखा रहा है, आपका मोड, ठीक है। आप क्वेश्चन मार्क लगा लो यहाँ पे, सिंपली अगेन वो बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो, अब यू अप टॉप का मैं यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। एडिट सब एलिमेंट, सेट कमांड का यूज़ करते हैं,
तो इसका मैं आईपी सेट करने का सिंटेक्स बताऊंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो सेट करके आप क्या, आपको इंटरफेस ट्रांसमिट स्टैटिक लिंक मोड एमटीयू ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने का तरीका देखो, बेसिकली ये है जो मैंने लिखा हुआ है। पहले कमांड चलेगी आपकी एडिट इंटरफेस ये वाली, ठीक है, फिर सेट करोगे, फिर लेवल ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है, यूनिट ज़ीरो, ये सारी चीज़ें यार समझानी पड़ेगी पूरा। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है, और अभी मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा नहीं रहा है। यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, फैमिली इथरनेट स्विचिंग की नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो ये कमांड का जो आउटपुट आया ना, ये किसका आया हुआ है, स्विच का है। ये प्रैक्टिकल मैंने किया था EX4300 सीरीज़ के स्विच पे, तो ये मेरे काफ़ी पुराने नोट्स हैं, और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ VMX, तो ये आउटपुट जो है अपना डिफरेंट है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे देखना होगा। राइट, अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास अप और अप टू और टॉप कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास VMX में डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एडिट यूनिट आ रहा है यहाँ पे ज़ीरो, ऐसे मेरे पास आ रहा है एडिट यूनिट, एडिट फैमिली इथरनेट स्विचिंग, चलो मैं इसको देख के बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल देखो समझने का ये था कि इसमें मेरे को ये बताना था, ये जो आपका, ये जो ऊपर डिस्प्ले करता है ना, इस हैश के ऊपर आप जो डिस्प्ले करता है, ये क्या डिस्प्ले होते हैं, मोड्स, क्या आप किस मोड में हो। जैसे सिस्को में क्या आता था, कॉन्फिग -F लिखा हुआ आता था, तो आप किस में थे, आप इंटरफेस एडिटिंग मोड में थे। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे आपने पहले कमांड क्या चलाई, एडिट इंटरफेस, तो आप क्या कर रहे हो, एक इंटरफेस को एडिट कर रहे हो जिसका नाम क्या है, 10/0/0। ठीक है, इसके अंदर आप किसको एडिट कर रहे हो, एक यूनिट को एडिट कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही आप किसको फैमिली इथरनेट को करते या फिर किसी पोर्ट को करते, तो यहाँ पे क्या आता, उस पोर्ट का नाम भी आता, ये ब्रैकेट के आगे कुछ कॉमा लगता और ये ब्रैकेट एक्सटेंड होके यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप कितने अंदर आ चुके हो, पहले तो आपने इंटरफेस गए, इंटरफेस के अंदर गए, इंटरफेस के अंदर किस इंटरफेस में गए वो, फिर आप किस में हो, यूनिट सेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो बेसिकली कितने मोड के अंदर आ चुके हो आप, तीन मोड्स के अंदर आ चुके हो। अब इन मोड से बाहर निकलने का तरीका बता रहा हूँ, मान लो अभी आप यूनिट को एडिट कर रहे हो, ठीक है, यूनिट के एडिटिंग मोड में हो, फिर आप जाओगे इंटरफेस में, फिर आप इसमें चले जाओगे एडिट इंटरफेस में। इनसे बाहर निकलने का तरीके के लिए होती है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट एग्जिट कमांड है, सीधा बाहर आ जाएगा। सिस्को में हम यूज़ करते थे कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करते थे और सीधा एग्जिट हो जाते थे बाहर। यहाँ पे एग्जिट टाइप करना होगा। यार यूनिट ज़ीरो का मैं आपको बताऊँगा, इसका भी कॉन्सेप्ट है ना, ये पता है, ये आपका जब आएगा, जब मैं आपको इंटरफेस को डिस्क्राइब करूँगा ना, उसके अंदर आएगा कि यूनिट ज़ीरो क्या है और एक फैमिली इथरनेट स्विचिंग ये सब क्या है। ठीक है, तो एग्जिट टाइप कर सकते हो, डायरेक्ट बाहर चले जाओगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है अप और एक आता है अप टू, एक आता है टॉप। ठीक है, जैसा समझ में आ ही रहा होगा, अब करूँगा तो क्या, किस मोड से बाहर निकलोगे आप, यूनिट मोड से, तो मैंने लिखा अप, एंटर, किससे बाहर आ गए आप, यहाँ पे देखो मोड चेंज हो गया, यूनिट ज़ीरो गायब हो गया यहाँ से,
क्या टाइप किया था आपने? अब अगर मैं अब के आगे टू लगा दूंगा तो जो मेरे लास्ट के जो दो हैं वन और टू, इससे क्या हो जाऊंगा मैं एग्जिट। ठीक है, तो ये अप और अप टू और टॉप कमांड यही करती है बस, और कुछ भी नहीं है। एडिट इंटरफेस, एडिट यूनिट, जीरो में आ गए वापस से। ठीक है, अब मैं क्या टाइप करता हूँ, अप टू। जैसे मैंने अप टू टाइप किया तो मैं जो लास्ट के जो दो मोड्स थे उनसे मैं बाहर निकल गया। पहला मोड था गिग 0x0 वाला, एक था यूनिट, तो ये फर्स्ट मोड था, ये सेकंड मोड था। मैंने कमांड टाइप करी अप टू। ठीक है, अब कौन सी करनी है हमें, टॉप। एडिट यूनिट को, एडिट यूनिट से पहले मुझे क्या करना होगा, इसको इंटरफेस बताना होगा। इंटरफेस के एडिटिंग में आ गए हम लोग। ठीक है, इस मोड में आ गए, टॉप कमांड टाइप करी, आप बिल्कुल एग्जिट हो गए। टॉप टाइप करके कहाँ आ गए वापस से एडिट में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कमांड थी इसकी यार। अब जो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की बात थी वो हम कल कर लेंगे, कुछ कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा था CLI का बेसिक था जो आज हमने कवर किया। इसके अलावा और भी कमांड्स होती हैं, ये वाली हैं। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हो, ये कमांड आपको जो PDF में दे रहा हूँ इसमें भी हैं सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ से आप रन करके देख सकते हो। मेन मेन जो कमांड्स थी वो मैंने आपको समझा दी इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही कवर करने वाले थे हम CLI के बेसिक्स हैं, CLI के फंडामेंटल्स को।